सिरी, ए सिरी, तेरे बुबू दे रखा है सिरी। यार ये एयरपोर्ट में ना ये सिरी कभी कभी सुनती नहीं ना, इतना गुस्सा आता है कसम से। यार पीछे तो मेरी गर्लफ्रेंड भी बैठी थी, वो कहाँ चली गई? लगता है कहीं खो गई वो। शिट यार, पता नहीं कैसे मैं कहाँ को जा रहा था और मैं किधर पहुँच गया। जानू जानू जानू, I love you. Hey, good morning everyone. Welcome back to my another vlog. और आज संडे तो सोचा मैं सुबह सुबह अपॉइंटमेंट मैंने सारा 12 बजे के दिया है, 12 बजे के बाद कर दिया, तो सोचा मैं 3-4 घंटे क्या करूँ, 3-4 घंटे में जाता हूँ अपनी बाइक पे। यस, आर्थर पे आज होगी लंबी राइड। रॉयल एनफील्ड का जो रेनकोट मिला था उसको भी, उसका भी यूज़ हो जाएगा अगर बारिश हुई तो रास्ते में। बट ये जो टॉफी है ना, ये खट्टी मिट्टी टॉफी चाहिए, इमली वाली, इमली वाली टॉफी। हाँ, क्रीमी ना टॉफी, बढ़िया ना, बढ़िया है ना, खट्टी मिट्टी कमी नहीं है। मैं मल जाए थी पहाड़ कब बेलछाक वही सब लीवर है मेल। हाँ, अरे आधे घंटे में आएगी जी मैं। हाँ, ओए ब्याल के, ब्याल के कहाँ रात ब्याल के, ओ यू यू लाए मेल फिर तब मैं यू तो मैं बल भे यू। अरे यार लेकिन फिर तो एक दिक्कत कि मैं राइडिंग जैकेट नहीं मिल रहा यार, पता नहीं कहाँ चला गया है, वरना वो पहन के आता था कितना सही रहता। भैया 300 कर दीजिए। तो मैंने फ्यूल अप भी करवा लिया और मैंने पीछे हवा मेरी बहुत कम थी, मुंशारी के पास से मैंने हवा भरवाई नहीं था, तो अब सीधे चलते हैं भीमताल साइड और वहीं से ही मैं निकलूँगा सीधे धानाचुड़ी साइड, बिकॉज़ वो जगह भी काफ़ी सही है एंड थोड़ी सी आइसोलेटेड जगह है, सोचा वहीं चला जाए। अभी तो इतना सही मौसम हो रखा है ना, एकदम खिलखिलाती धूप है और चमचमाता हुआ मैं दिख। यार हल्द्वानी मतलब बहुत ही बेस्ट सिटी है, मुझे तो बहुत सही लगता है क्योंकि हर चीज़ यहाँ से पास है, नैनीताल पास, नैनीताल पास, हर जगह पास है यहाँ से। हरीन रेस्टोरेंट राजमा चावल, अच्छा कॉल चाय बना दिशा। हाँ एल क्या ना, एल घूमने जाऊँ मैं, यहाँ रहूँ ना मैं, ये हल्द्वानी में ना एल मिल चाय ना, ये तो यहाँ मुंशारी रेस्टोरेंट यहाँ पर काली चाय पीना सुबह सुबह। अभी तो फिलहाल इनका रेस्टोरेंट अभी जस्ट एक महीना ही हुआ है उनको ओपन किए हुए, तो फिलहाल यहाँ पे राजमा चावल, चिकन चावल, अंडा, ऑमलेट, रायता, नींबू पानी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। बट अगर ये कुकला वकला सिस्टम भी ऐड कर देंगे ना फिर तो मज़े आएगा। वो ब्लैक टी पी विद काली मिर्च एंड काफ़ी अच्छा है यार। ये अभी इनको 1 मंथ हो रखे स्टार्ट किए हुए और जस्ट 1 मंथ ही वो रखा स्टार्ट किए हुए, तो उसमें ये अभी स्टार्ट करने वाले हैं कुकला बुमला। मैंने इनको कहा कि प्लीज़ जा कुकला बुमला ये सब चीज़ें करो ताकि हल्द्वानी में से लोग यहाँ पर आए, कुकला बुमला है ना, और क्या कहते हैं पत्यूर वगैरह ये सब खाएं। तो ये सब चीज़ें अगर मुंशारी रेस्टोरेंट खोला ही है इन्होंने ना, तो ऐसा करना चाहिए। तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप ये सब चीज़ें ज़रूर ऐड करना उसमें, तो जितने जिन्होंने नहीं खाया ना वो भी टेस्ट कर लेंगे, है ना क्या जा रहा है उसमें। आटे का तो बनता है बढ़िया करके कुकला, सबसे अच्छा भी हुआ, लोगों को नई चीज़ पता चलेगी, तो इससे क्या होता है कि अपने कल्चरल जो फूड होता है ना उसका प्रमोशन भी हो जाता है। अब एडवाइस तो दे दी मैंने, इनका नंबर भी ले लिया कि कब से स्टार्ट करेंगे करके मेरे को पहले बताना, फिर मैं तुरंत यहाँ आके फिर खा के फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसे उसका प्रमोट करूँगा। फिर मैं सीरी को बोलता हूँ कि एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो पप्पू गार्की जी का। हे सीरी, हे सीरी, अरे कभी कभी सीरी सुनता क्यों नहीं है? सीरी, ए सीरी, तेरे बुबू दे रखा है सीरी। यार ये एयरपोर्ट में ना ये सीरी कभी कभी सुनती नहीं ना, इतना गुस्सा आता है कसम से। किस बात का ये एप्पल का सीरी है यार, ये जो सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनती है ये। सीरी सुन ले तू पहली मेरी बात। हे सीरी, हे सीरी, हे सीरी, सीरी
यार ये सीरी की बच्ची ने कसम से कहना बड़ा कर रखा है यार, कभी कभी सुनती नहीं है यार, खाली मेरे कान में है एयरपोर्ट घुसे रखा है। कंप्लेन करूँगा देना मैं एप्पल वालों को, एप्पल वालों सुन लो, सीरी को बोलो कि थोड़ा सा भाषा समझ ले यार, इतने प्यार से बोल रहा हर टोन में बोल दिया। और क्या पहाड़ी में बोलो कि ए सीरी तेरे मोनल कितना सुन रहे थे पप्पू कार की गाने बजाओ, हे सीरी तेरे मोनल, हे सीरी प्ले पप्पू कार की सॉन्ग्स, हे सीरी प्ले पप्पू कार, ओह माय गॉड सुन लिया सुन लिया सुन लिया, तेरी तेरी रंगेली पिछोरी कमू, तेरी रंगेली पिछोरी कमू, तेरी रंगेली पिछोरी ला जमादी जाना चुका है कितना अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे ये ब्रेकर ने तो कसम से मेरे ऊपर चिपचिपा हिला दिए, ओ कितना चौड़ा ब्रिज बन गया ये तो, बट जो सामने माउंटेन है ना ये पूरा चट्टान ना बहुत ही कच्चा है, ये जब भयंकर बारिश आती ना तो ये धीरे धीरे उधरता रहता है, ये मतलब लैंडस्लाइड होता रहता है यहाँ पे। मैं अभी जैसे एक जानू चिल्लाऊंगा देना, साउंड इको करेगा देना, और वहां से रिप्लाई भी आएगा देना, जानू 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 आई लव यू। ओ बैंकर देखा कितना खतरनाक रिप्लाई आया वहां से, निकलता हूँ यहाँ से मैं। अरे मेरी हार्ट थड़ू, ओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल मंदिर इधर से रास्ता पड़ता है इधर, ओ अल्टीमेट यार क्या व्यू है यहाँ से, अगर नीचे से देखोगे ना ओए होए कितनी सही जगह है ये भाई, ये तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यार घोड़ा खाल मंदिर, पहुँच गया यहाँ पे घोड़ा खाल के एंट्रेंस पे, घोड़ा खाल मंदिर बाप रे यहाँ पे कितनी ढेर सारी घंटियाँ हैं, तो चलो चलते हैं, पहले एक प्रसाद का पैकेट लेके जाता हूँ यार यहाँ से मैं, ये फ्रंट में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है, घोड़ाखाल का मंदिर का इतिहास पता नहीं क्या है, चलिए एंटर करते हैं। वाओ आय हाय यार चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ बज रही थी, मज़ा आ रहा था, मतलब कि भाई मैंने तो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा कि मैं यहाँ आऊँगा करके, मतलब जैसे मैंने बोर्ड में देखा घोड़ाखाल का मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर यहाँ से, तो मैंने बोला यार आई मस्ट गो देयर। अरे यार कितना सही लग रहा है इधर, अच्छी बारिश आ रही है ना, एंड इतनी ढेर सारे घंटियाँ, जय हो जय हो। अरे बाप रे मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि क्या कहते हैं लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पे एक घंटी चढ़ाते हैं, बट मैं घंटी वंटी तो लेके नहीं आया, मैं मन्नतें क्या मांगू, मैं मेहनत करूँगा सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और फिर भी अपनी आस्था के लिए और पता नहीं क्यों मैं एक अलग सी वाइब, मतलब एक अलग सी एनर्जी जिसने आई हुई उसने मेरे को खींच के घोड़ा खाल मंदिर लेके आ गए। और ये देखिए एंड यहाँ पर जो ठंडी हवा चल रही ना सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, हे भगवान घोड़ा खाल मंदिर में ना, मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा करके, और कभी मेरा ऐसा हुआ ही नहीं है, देखा ऊपर वाला भी ना कभी कभी अचानक से आपको बुला लेता है, कहता है कि बेटा तू घोड़ाखाल मंदिर आ जा पहले उसके बाद घूमने जाना, तो पहले मैं मंदिर आ रखा हूँ उसके बाद ही जाऊँगा कहीं। हाय ब्यूटीफुल, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तभी मैंने अंकल से पूछा ना कि यहाँ पे कितनी घंटियाँ, तो अंकल ने बोला कि करोड़ों घंटियाँ हैं, मतलब बांधने की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, तो जहाँ जहाँ जगह मिल जाती है लोग वहाँ पर घंटी बांध देते हैं। ये देखिए सोचो अभी से नहीं कितने बरसों से लोग घंटियाँ बांधते आ रहे थे, तो ऑब्वियस है कि करोड़ों से ज़्यादा, मतलब करोड़ों घंटियाँ होंगी यहाँ पे,
कितनी अच्छी वाइब्स आ रही है। क्या ठंडक भी मिल रहा है यहाँ पे, शंख ढोल नगार घंटियाँ सब चीज़ें हैं, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है ना सच में यार। ऐसे मेरा तीर्थ स्थल में भी जाना चाहिए, और ये घोड़ा खाल तो अमेजिंग है। बस मंदिर ना, नीचे दुकानें हैं। अच्छा यार, पता नहीं कैसे मैं कहाँ को जा रहा था और मैं किधर पहुँच गया, पर मज़ा ही आ गया काफ़ी। पूरा पाठ वाठ पढ़ा अच्छे से, सबका नाम लिया, घर वालों का, मम्मी पापा का, भाई का, मम्मी मामा मामी जी नानी लोग का, सबका नाम नाम से पाठ पढ़ दिया। हाँ मज़ा आ गया, और घंटियाँ देख के तो मैं तो फिदा हो गया एकदम। अभी ना 10 बज रहे हैं, तो फिर सोच रहा हूँ मैं 10 बज रहे हैं और मुझे 12 या 1 बजे पहुँचना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सीधे थाना चले जाता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ मैं। नमस्ते, दिनों दिन थे। नाश्ता के लिए नाश्ता, यल नाश्ता कहे ठीक से खानी खाए। ओए नमस्ते, आपका हेलमेट ऊपर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हेलमेट इस शॉप में रख सकते हो, यहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो। मैंने भी अपना हेलमेट यहीं पर रखा था एंड उसमें कैमरा भी लगा था, तो आंटी लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, यहाँ के सारे शॉपकीपर्स भी अच्छे हैं। एंड उन बुढ़े अंकल को देखिए बड़ा करके लग गया मेरे को, वो ऐसे बैठे हुए थे एकदम, बीड़ी पी रहे थे, तो मैंने कहा चलो कुछ नाश्ता वास्ता पानी कर लेंगे वो उससे। समझ में नहीं आ रहा है, इतनी दूर लग रहा है मेरे को, और यहाँ चीड़ के पेड़ ही दिख रहे हैं। एक तो बड़ा दिमाग की दही हो रही है चीड़ के पेड़ देख देख के। ऐसा करता हूँ मैं वापस जाता हूँ यार, मुझे लग रहा है काफ़ी दूर है और मुझे लेट भी हो जाएगा, इसलिए अपन चलता है अब वापस। एट साइड में रुक जाता हूँ यार, ओह नो, यहाँ पर ठीक है थोड़ा, वरना तो मेरा कैमरा पूरा भीग जाएगा। बारिश बाप रे, इस छोटे से इसमें कितने लोग जो फिट आ पाएंगे। अरे यार इतनी भयंकर बारिश हुई ना अभी, इतने लोग इस कुटिया के नीचे ना, इतने लोग थे क्या बताऊँ, मैं तो नीचे गिरने वाला था। ये देखो कितना कैसा है, कब रुकेगी बारिश भाई, मैं भीगना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, और मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ से सीधे स्टूडियो जाऊँगा अगर थोड़ी सी बारिश रुक जाती है, और फिर भी बारिश हो रही है और मैं पूरा अच्छे से भीग जाऊँगा। वो तो अच्छा रेनकोट पहना ऊपर वाला, लेकिन नीचे तो मैंने कुछ नहीं पहना है ना, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। यार पीछे तो मेरी गर्लफ्रेंड भी बैठी थी, वो कहाँ चली गई, लगता है कहीं खो गई वो, शिट लगता है शायद मैं उसे भूल गया कहीं। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी तन्हाई थी जो पीछे बैठी हुई थी, हल्द्वानी से ले गई यहाँ तक, और अब बारिश हो गई और मैं और मेरी तन्हाई अभी भी यहीं पर खड़े हैं इस कुटिया के नीचे,
और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितना सही लग रहा है। ओ वाओ, बारिश के टाइम पे नया इस कैफ़े में ज़रूर आना, जर्नी बाय द लेक कैफ़े। इससे पहले कुछ और नाम था बट किसी और ने ये प्रॉपर्टी खरीद ली। अब नाम देखो ऐसा हो गया। नीचे बाप रे देखो तो मक्के का, वो गन्ने का और क्या क्या है, वो गेहूँपात वगैरह सब चीज़ें यहाँ लगा हुआ। एंड अभी ना मौसम इतना सेक्सी हो रहा है, इतना प्रिटी मौसम हो रहा है ना, सच में बारिश के बाद ना यहाँ का सीन अलग ही जाता है। सामने पूरे बादल ही बादल है, पहाड़ देखो इतने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं यहाँ पर। यार सीरियसली जो अभी व्यू आ रहा है ना, इतना तगड़ा रखा, मैं तो एक दो चार फोटो भी क्लिक कर लिए। बाप रे यार, पहाड़ों का मौसम होता ही इतना अमेजिंग है ना। अभी बारिश हुई थी, अभी फॉग लग गया, अभी खाली था यार। अब अभी बूंदे बांदी भी पड़ रही हैं, तो मैंने तो भाई अपने जो पनीर वगैरह सब ऑर्डर कर लिया। आज लंच में ये लगता है यहीं पर करके जाऊंगा सीधे, और सीधे डायरेक्ट मैं इसके बाद स्टूडियो ही जाना है मैंने। कितना डेंस फॉग लग गया यहाँ पे, और ऊपर से बारिश भी हो रही है, बारिश की बूंदे। तो यार बिना सलाद के तो मज़ा ही नहीं आता है, तो इसलिए मैंने सलाद मंगा दिया। और ये रहा पता नहीं कौन सा लबालब पनीर और साथ में तंदूरी रोटी। भागो 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 भागो, छीटा मत मारना रे, छीटा मत मारना, लाटे छीटा क्यों मार दे तूने, रुक तेरी ऐसी की तैसी, भागो रे भागो। ओए सांड तो देखो भयंकर, बारिश तो अभी भी हो रही है और फॉग भी लगा है। पीछे मेरी गाड़ी, आगे पीछे गाड़ी, ओए मेरा कैमरा बिक जाएगा। कौन सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। वाह वाह, टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग डिंग, आगे नजारा देखो इस बारिश के मौसम में। टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग, चला रहा इंटरसेप्टर में मस्त मौसम में। टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग स्पीड में, क्योंकि भाई मेरा हो गया पेट खराब, मुझे लग गया नंबर टू अब जोर से। अब स्टूडियो पहुंचता फटाफट, हल्के होता उसके बाद काम करना है, बिकॉज 3:30 बजे मेरे क्लाइंट भी पहुंचने वाले, उसके बाद 2-4 अपॉइंटमेंट है मेरे, फटाफट निपटाएंगे। अब क्लाइंट भी बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन नंबर टू लगी थी, मैं तो कम से कम आधा घंटा बैठ जाता हूं, बट कोई बात नहीं, अटका के रखता हूं, आई मीन रोक के रखता हूं, बाद में करूंगा। आपको बनवाना है? है आपको बनवाना है, है? जब आप बड़े हो जाओगे ना फिर आप बनाना, ठीक है।
अपॉइंटमेंट सब डन हो गए, लेकिन अब कोई ना कोई आई जा रहा, कोई ना कोई आई जा रहा है। मैं सोचा था कि अब फ्रेश होऊंगा, फिर से कुछ कंसल्टेंसी के लिए आगे कुछ वो लोग आ गए। अब लगता है घर जाके हूँ मैं फ्रेश, बस मुझे लगता नहीं है कि भाई यहाँ निकलने वाली है। अब घर जाके ही करूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई ब्लॉग्स। जी हाँ।